प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद लगातार मामले कम आ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 15 फरवरी से जो है स्कूल खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में जो है कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए मामले भी जो कम आ रहे हैं। और वहीं प्रदेश में जो है लगातार 300 से कम मामले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है कि 15 फरवरी से जो है स्कूल खोले जाएंगे। 15 फरवरी से प्रदेश में जो है स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार ने स्कूल संचालक व प्रबंधकों के लिए जो है एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें गाइडलाइन के तहत इसमें यह रहेगा कि 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे में से किसी को अगर बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे कोई अवतरण पाए जाते हैं तो उन पर जो है उनको जो है स्कूल आने से मना किया जाएगा। साथ ही पालकों को जो है आदेश दिए गए हैं कि उनका इलाज कराने के बाद जो है टेस्टिंग के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर जो पर स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने क्या कहा, आइए जानिए। सबसे पहले प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जो पालक एसोसिएशन है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये लगातार मांग कर रहे थे कि स्कूलों को खोला जाए और बच्चों के जो परीक्षा है उनकी तैयारी करवाया जाए। इसी राज्य सरकार ने और प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने अब साफ कर दिया है कि प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूल शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है वो लगातार परीक्षा की हवाला दे रहे थे और जो तमाम गतिविधि है वो रुकने का हवाला दे रहे थे। अब इसे भूपेश सरकार की जो फैसले है, भूपेश कैबिनेट ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि 15 फरवरी से राज्य में स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में अब स्कूल लगातार संचालित होगी और बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जितनी भी जानकारी है और परीक्षाओं के संबंधित जो तैयारियां हैं वो सब विधिवत रूप से चालू कर दी जाएगी। जनवरी 2020 में भारत में सबसे पहले कोरोना का मामला सामने आया था, उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक्टिव हो गई थी और तमाम प्रयासों से कोरोना के मामले को रोकने का प्रयास कर रही थी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद और देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या कम होने के बाद राज्य और जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ स्कूल है उनको खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यह फैसला किया है कि राज्य में स्कूलों को खोला जाए। भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगाई गई है कि 15 फरवरी से राज्य में स्कूल खोला जाए। वहीं दूसरी ओर भारत के तमाम राज्यों में स्कूल खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां स्कूल को खोलने की अनुमति मिल गई है और कई जगह स्कूल संचालित भी हो चुके हैं। वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां इस बात पर मंत्रणा चल रही है कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं। अब आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर यह मंत्रणा जारी है कि आने वाले समय पर स्कूल खोला जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जारी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य में स्कूल खोले जाएंगे, स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्कूल इन गाइडलाइनों के साथ स्कूलों का संचालन ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कैमरा पर्सन आयुष तिवारी के साथ TCP 24 के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट।